नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ। खुजनेर नगर में सोमवार को आयोजित होने वाले कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में आमजन को कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर आज रविवार को राजगढ़ एसडीएम पल्लवी वैद्य, तहसीलदार शंभू सिंह मीणा और नगर परिषद सीएमओ सहित नगर के जनप्रतिनिधियों द्वारा नगर के मुख्य मार्गों पर रैली निकाली गई। सीएमओ उमेश शर्मा ने बताया, लगभग 2 से 3 घंटे चली रैली की शुरुआत राजगढ़ एसडीएम पल्लवी वैद्य के नेतृत्व में परिषद कार्यालय से सुबह 10:30 बजे की गई, जिसमें शामिल प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारियों द्वारा नगर के घरों में जाकर आमजन को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान राजगढ़ एसडीएम पल्लवी वैद्य, तहसीलदार शंभू सिंह मीणा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी उमेश शर्मा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष केदार काका, पूर्व परिषद अध्यक्ष पंकज शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, नगर के पूर्व पार्षद, नगर पालिका कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। मौजूद थे। आज भी हमारे काका साहब समय से पहले यहाँ पधार चुके हैं और पूरा रोड हमने बना लिया है। यहाँ से हम अभी इधर सीधे यहाँ चले गुरुपुरा मोहल्ला जाएंगे, वहाँ से जो है ऊपर देव महाराज की गली, राजगढ़ रोड तक रोड़ते हुए सीधे माताजी मोहल्ला, गुलवाड़ा मोहल्ला, गुलवाड़ा मोहल्ला से हाट बाजार और चूड़ी वाली गली, उससे सीधे इस्लामपुरा, इस्लामपुरा से कुशवा मोहल्ला होकर वापस नगर पंचायत में हम लौटेंगे। यानी कि सर, संपूर्ण खुजनेर को 100% कोरोना मुक्त करना, इसके लिए ये महाअभियान चलाया गया है। अभी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोगों में भ्रांति है कि टीकाकरण कराने से कोई नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी ने बताया हमें कि सिर्फ गर्भवती माता बहने वो टीकाकरण न करवाए, एक जिनको अभी कोविड हुआ था। आपने अभी तक टीएनटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।